आईटीआई स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में बेल्डिंग के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बेल्डिंग, बेल्डिंग के प्रकार, बेल्डिंग टूल्स, बेल्डिंग के जोड़ आदि जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ लाइक व शेयर कीजिए। आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बेल्डिंग क्या है। बेल्डिंग पार्टों को अस्थायी रूप से जोड़ने की प्रक्रिया है, यानी कि बेल्डिंग के द्वारा जो हमें जोड़ प्राप्त होता है वो परमानेंट टाइप का जोड़ प्राप्त होता है। बेल्डिंग में उचित ताप पर, यानी कि जिस जॉब की हमें बेल्डिंग करनी है उस जॉब को एक निश्चित तापमान तक गर्म करते हैं। उसके बाद दाब या बिना दाब के धातुओं को फिलर रॉड या उसके बिना जोड़ने की एक प्रक्रिया है, उसे हम बेल्डिंग कहते हैं। बेल्डिंग के प्रकार, बेल्डिंग को मुख्यतः दो भागों में, फ्यूजन और नॉन फ्यूजन में बांटा गया है। फ्यूजन का मतलब यह है जब धातु को हम गर्म करते हैं तो पिघल जाती है, उस चीज को हम फ्यूजन, फ्यूज हो जाना बोलते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है नॉन प्रेशर बेल्डिंग, क्योंकि वो गल गया है, उसको जोड़ने के लिए हमें प्रेशर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए हम कह सकते हैं एक बेल्डिंग को प्रेशर और नॉन प्रेशर में बांटा गया है। इसके बाद फ्यूजन बेल्डिंग को गैस बेल्डिंग, आर्क बेल्डिंग और केमिकल बेल्डिंग में बांटा गया है, जबकि नॉन फ्यूजन को सॉलिड स्टेट बेल्डिंग, रेजिस्टेंस बेल्डिंग और ब्रेजिंग में बांटा गया है। इन बेल्डिंग्स के बारे में आगे हम आईटीआई सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे। बेल्डिंग के प्रकार के बारे में अब हम डिटेल से जानते हैं। पहला है जोड़ के आधार पर बेल्डिंग कौन कौन से प्रकार की होती हैं। ऑटोजीनियस बेल्डिंग और हेट्रोजीनियस बेल्डिंग। ऑटोजीनियस बेल्डिंग समान धातुओं की समान धातु की फिलर राड से जोड़ने की जो बेल्डिंग होती है उसे हम ऑटोजीनियस बेल्डिंग कहते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे माइल्ड स्टील की कोई प्लेट है उनको आपस में हम जोड़ रहे हैं, उसमें अगर हम माइल्ड स्टील की ही फिलर राड का प्रयोग करें तो इस तरह की बेल्डिंग जो है ऑटोजीनियस बेल्डिंग कहलाएगी। हेट्रोजीनियस बेल्डिंग, इसमें दो अलग अलग धातुओं को जोड़ा जाता है, इसमें जो हम फिलर राड का प्रयोग करेंगे उसका गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम होता है। दबाव के आधार पर बेल्डिंग के प्रकार, पहला प्रकार है फ्यूजन या नॉन प्रेशर बेल्डिंग, इसमें आर्क बेल्डिंग है, गैस बेल्डिंग है और थर्मेट बेल्डिंग है। दूसरा है नॉन फ्यूजन या प्रेशर बेल्डिंग, इसमें है फोर्ज बेल्डिंग और रेजिस्टेंस बेल्डिंग। सबसे पहले हम लोग फ्यूजन बेल्डिंग के बारे में जानते हैं। फ्यूजन बेल्डिंग प्रक्रिया के अंतर्गत धातु के किनारों को गलनांक तक गर्म किया जाता है, यानी कि जिन भी धातुओं की हमें बेल्डिंग करनी है, जिस स्थान पे बेल्डिंग करनी है उन जगहों को उनके गलनांक तक गर्म करते हैं। उसके बाद जोड़ को हम फिलर रॉड द्वारा भरते हैं। ऑक्सीस्टीलीन या इलेक्ट्रिक आर्क बेल्डिंग का प्रयोग फ्यूजन बेल्डिंग के अंतर्गत किया जाता है। अब जो आर्क बेल्डिंग होती है हमारी, उसमें जोड़ी जाने वाली धातु के किनारों को एसी या डीसी जो है सप्लाई देके पिघलाया जाता है। इसमें जो तापमान आता है वो आता है 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक। आप यहाँ पे चित्र में आर्क बेल्डिंग देख सकते हैं। हमारे पास एक जो है बेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर से एक जो है हमारी सप्लाई जाती है, हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर होता है वहां पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जो है जॉब को जोड़ रहे हैं। गैस बेल्डिंग में ज्यादातर हम लोग ऑक्सीजन और एस्टिलीन, यानी कि ऑक्सी एस्टिलीन गैस बेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें एस्टिलीन जलने का व ऑक्सीजन जलाने का कार्य करती है, यानी कि एस्टिलीन हमारा फ्यूल है और ऑक्सीजन द्वारा उसको जलाया जाता है। इस प्रक्रिया में गैस द्वारा ज्वाला बनाई जाती है जो कि धातु की सतह को गर्म करके उसको पिघलाने का कार्य करती है। इसमें तीन तरह की जो है ज्वाला बनती है, उदासीन, कार्बोराइजिंग व ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। गैस बेल्डिंग दो तरह से होती है, एक होती है लो प्रेशर गैस बेल्डिंग और एक होती है हाई प्रेशर गैस बेल्डिंग। लो प्रेशर गैस बेल्डिंग हमारा छोटे मोटे कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि हाई प्रेशर गैस बेल्डिंग हमारी मास प्रोडक्शन, यानी कि जहां पे बहु उत्पादन प्रक्रिया अपनाते हैं वहां पे प्रयोग करते हैं। फ्यूजन बेल्डिंग का अगला प्रकार है थर्मिट बेल्डिंग। थर्मिट बेल्डिंग में जाब को ताप प्रदान करने के लिए थर्मिट पाउडर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बेल्डिंग में हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो फ्यूजन टाइप की बेल्डिंग होती है उसमें धातु के किनारों को पिघलाना होता है, उसके बाद उनको जो है
पिघलाने के बाद जोड़ना होता है। तो इसमें जॉब को पिघलाने के लिए थर्मिट पाउडर एक प्रयोग करते हैं। जॉब पे हम थर्मिट पाउडर लगा देते हैं, उसके बाद उसको स्पार्क देकर जला देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा तापमान उत्पन्न होता है और धातु हमारी पिघल जाती है। थर्मिट पाउडर के रूप में हम लोग एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसमें जो थर्मिट पाउडर का गलनांक होता है वो लोहे के गलनांक से दुगना जो है हमें यहाँ पे ताप प्राप्त होता है। थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग हम लोग बड़े मशीन पार्ट्स, गियर व रेलवे आदि में करते हैं। आप यहाँ पे चित्र में थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस देख सकते हैं। हमें जो है यहाँ पे मान लीजिए दो पार्टों को जोड़ना है, तो उनको जो है हम यहाँ पे थर्मिट पाउडर देख सकते हैं आप, उसके द्वारा भर रहे हैं। और यहाँ पे जब जो है हमारा थर्मिट पाउडर हम प्रयोग करेंगे तो वहां पे इस तरह धातु पिघल के आपस में जुड़ जाती है। नॉन फ्यूजन प्रेशर वेल्डिंग, इसमें जोड़े जाने वाले पार्ट को फोर्ज वाली भट्टी में गर्म किया जाता है, उसके बाद गर्म सिरों को हैमर से चोट मारकर जोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा माइल्ड स्टील, रॉट आयरन आदि की वेल्डिंग की जाती है। फोर्ज वेल्डिंग तीन तरह से होती है, रोल वेल्डिंग, डाई वेल्डिंग और हैमर वेल्डिंग। यानी कि इसमें जो है वेल्डिंग करने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ इसमें जोड़े जाने वाले पार्टों को जो है हम गर्म करते हैं। उसके बाद जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे एक पार्ट हमारा ये है, ये पहला पार्ट है, ये हमारा दूसरा पार्ट है। इन दोनों पार्टों को गर्म किया गया है, उसके बाद यहाँ पे तीर का निशान जो बना हुआ है इसका मतलब ये है दोनों पार्टों को आपस में पास लाया जाता है, उसके बाद हैमरिंग के द्वारा इनको जोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग नॉन फ्यूजन या प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। वेल्डिंग प्रक्रिया में कौन कौन से टूल हम प्रयोग करते हैं, जैसे हमारा स्टील रूल है, इसके द्वारा हम जॉब को नापते हैं। स्टील टेप जो है, इसके द्वारा लंबी जॉब को नापते हैं। ट्राई स्क्वायर जॉब को जो है समकोण में, यानी कि चारों तरफ से स्क्वायर में सेट करने के लिए। फाइल का प्रयोग जॉब को साफ करने के लिए या किसी किनारे को घिसने के लिए करते हैं। छेनी का प्रयोग धातु के ऊपर जो स्पैटर लगे होते हैं उनको हटाने के लिए या कई बार उसकी सफाई आदि में करते हैं। स्क्राइबर का प्रयोग जहाँ पे हमें वेल्डिंग करनी है वहाँ पे निशान लगाना होता है, उसके लिए हम स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। डॉट पंच का प्रयोग हम लोग जो निशान लगाए हैं उसको गाढ़ा करने के लिए। हैमर का प्रयोग हैमरिंग करने के लिए करते हैं। डिवाइडर, वहाँ पे कोई निशान लगाना है, सर्किल आर कुछ बनाना है, उसका प्रयोग करते हैं। टॉन्ग्स यानी कि स्टडासी, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं गर्म जॉब को एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए। और हेक्सा का प्रयोग हम लोग काटने के लिए करते हैं। इन टूल के बारे में डिटेल में मैं पहले ही बना चुका हूँ वीडियोस, तो आप वहां से जाके इनको देख सकते हैं। वेल्डिंग टूल्स में आगे है चिपिंग हैमर। यहाँ पे चित्र में आप चिपिंग हैमर देख सकते हैं। चिपिंग हैमर का प्रयोग होता है वेल्डिंग सतह से स्लैग को हटाता है। इसके सिरे जो है ये जो है नोकदार व तेज होते हैं। यह जो है मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है। अगला टूल है वायर ब्रश। ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये वायर ब्रश है। इसका प्रयोग जॉब को साफ करने में किया जाता है। इसको हमें गर्म जॉब पर प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्म जॉब पर प्रयोग करने से इसके तार जो है वो हार्ड एंड टेम्पर किए रहते हैं, वो खराब हो जाएंगे, इसलिए हमें इसको नहीं प्रयोग करना चाहिए गर्म जॉब पे। अगला हमारा वेल्डिंग टूल है वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। इसका प्रयोग आंखों के बचाव के लिए किया जाता है, क्योंकि वेल्डिंग करते समय हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, तो उनसे आंखों को बचाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। वेल्डिंग गेज, वेल्डिंग के फिलेट व बट जोड़ को चेक करने के लिए यह हमारा वेल्डिंग गेज है, इसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी हम फिलर धातु की मोटाई भी इस गेज से चेक करते हैं। अगला है हेलमेट। हेलमेट जो है हमारा वेल्डिंग हैंड स्क्रीन की तरह होता है, बस इसको हम सिर में लगा देते हैं और जो है इसके द्वारा भी आंखों का बचाव होता है। वेल्डिंग गगल्स यानी कि चश्मे, इसमें जो है चिपिंग ग्राइंडिंग करते समय प्रयोग किया जाता है, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। एप्रन, वेल्डिंग ग्लव्स व एप्रन जो है ये हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए होता है, इसलिए वेल्डिंग के लिए हम लेदर के ग्लव्स प्रयोग करते हैं, वेल्डिंग के एप्रन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्पैटर उड़ते हैं जो आपको जो है त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके लिए इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग के उपकरण, यानी कि जो हम लोग आर्क वेल्डिंग करते हैं उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। पहला है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ये जो है हाई वोल्टेज व लो एम्पियर की सप्लाई को लो वोल्टेज और हाई एम्पियर में बदलता है। हमें डीसी मोटर जनरेटर जो है प्रयोग करना पड़ता है कई बार। यह जो है नॉन फेरस व फेरस धातुओं की वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। यह महंगा होता है, उसकी दक्षता कम होती है। इसका जो है स्पैटर जो है इसमें कम आता है, वेल्डिंग बहुत स्मूथ होती है। इसकी आर्क जो है
ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन इसकी दक्षता जो है वो कम होती है। छोटे कार्यों के लिए ज्यादातर हम लोग डीसी मोटर वाली बिल्डिंग का प्रयोग करते हैं। बेल्डिंग रेक्टिफायर हमारा एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलता है। बेल्डिंग केबल कार्यस्थल तक करंट ले जाना, यानी कि जो हमारा बेल्डिंग मशीन है वहां से लेकर जहां पे हम बेल्डिंग कर रहे हैं वहां तक ले जाने के लिए करंट को हम लोग बेल्डिंग केबल का प्रयोग करते हैं। इस केबल में तांबे के तार लगे होते हैं, इसका एक सिरा बेल्डिंग सेट व दूसरे सिरे पर इलेक्ट्रोड होल्डर लगा रहता है। अर्थ क्लैंप तांबे या तांबे के एलॉय के बने होते हैं, यह जो है बेल्डिंग टेबल के साथ जुड़ा रहता है। इसको हम जो है बेल्डिंग टेबल में लगा देते हैं जहां पे हम बेल्डिंग कर रहे हैं, जिससे हमारा जो है ये अर्थ हो जाता है। इलेक्ट्रोड होल्डर, यह भी देखने में इसी तरह होता है, इसके द्वारा हम फिलर रॉड यानी कि बेल्डिंग रॉड को पकड़ते हैं। बेल्डिंग टेबल, बेल्डिंग को आसानी से करने के लिए हम बेल्डिंग टेबल का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यह लोहे की बनी होती है। बेल्डिंग बूथ, बेल्डिंग करने का छोटा सा कमरा होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसके अंदर हम बेल्डिंग टेबल रख के अपना बेल्डिंग कर सकते हैं। बेल्डिंग बूथ की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि जो है आंखों को आग की तेज व हानिकारक रोशनी से बचाया जा सके। इसके अलावा इसके अंदर ही वो रोशनी रहे, बाहर के लोगों को दिक्कत ना हो। बेल्डिंग रॉड होल्डर, बेल्डिंग रॉड को रखने के लिए हम लोग रॉड होल्डर का प्रयोग करते हैं। अगला है इलेक्ट्रोड, बेल्डिंग करने के लिए फिलर रॉड के रूप में हम लोग इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। यह जो है गोल आकार का होता है, इसमें जो है इसकी बॉडी पर फ्लक्स की कोटिंग रहती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है हमारा नॉर्मल जो है इसका डायमीटर है और इसके ऊपर यहाँ पे इधर बीच में फ्लक्स लगा हुआ है। लंबाई में यह 250, 300, 350 और 450 mm मोटा जो है मिलता है। इलेक्ट्रोड को जो है कितनी दूरी पर रखना चाहिए, इसके बारे में एक सवाल आता है, तो जितना इसका व्यास होता है, कोर डायमीटर का जो व्यास होता है, उतना जो है हम उससे बेल्डिंग करते समय जॉब से दूर रखते हैं। इलेक्ट्रोड का साइज जो है कोर वायर के व्यास से लिया जाता है। बेल्डिंग जोड़, यानी कि बेल्डिंग के जोड़ कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ये होते हैं लैप ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट और एज ज्वाइंट। बट ज्वाइंट यानी कि दो पार्टों को बगल बगल रख के जोड़ना, लैप ज्वाइंट दोनों को ऊपर नीचे रख के जोड़ना, टी ज्वाइंट यानी कि टी आकार में जोड़ना, कॉर्नर ज्वाइंट यानी कि दोनों को कॉर्नर में रख के जोड़ना और हमारा एज ज्वाइंट यानी कि इनके सिरों को जोड़ना। इस तरह के ये हमारे बेल्डिंग ज्वाइंट्स होते हैं। ऑक्सीएस्टिलीन गैस बेल्डिंग, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं, तो ऑक्सीएस्टिलीन बेल्डिंग जो है ज़्यादातर प्रयोग होने वाली गैस बेल्डिंग होती है। इसमें ऑक्सीजन व एस्टिलीन को ब्लो पाइप में प्रवाहित करके नोजल से लौ जो है जलाई जाती है। लौ के जलाने के लिए हम लोग चिंगारी का प्रयोग करते हैं। यहाँ चित्र में आप लोग ऑक्सीएस्टिलीन गैस बेल्डिंग के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे आप दो सिलेंडर देख सकते हैं, एक काले रंग का है, एक मेरून रंग का है। काले रंग का सिलेंडर ऑक्सीजन का होता है, जबकि मेरून रंग का जो सिलेंडर है वो एस्टिलीन गैस के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इसके ऊपर रेगुलेटर लगे होते हैं जो है सिलेंडर के अंदर भरी गई गैसों का प्रेशर बताते हैं, दाब बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ्लेम दिख रही है, ये हमारा जो है टॉर्च है, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन गैस की एक पाइप आती है और एस्टिलीन गैस की एक पाइप आती है, दोनों को यहाँ पे मिक्स किया जाता है, उसके बाद उन गैसों को यहाँ पे फ्लेम बना के हम प्रयोग करते हैं। बेल्डिंग के उपकरण, यानी कि गैस बेल्डिंग जो हमने अभी पढ़ी है ऑक्सीएस्टिलीन गैस बेल्डिंग, उसमें कौन कौन से उपकरण प्रयोग किया जाता है। पहला है एस्टिलीन सिलेंडर, यह जो है मैरून रंग का होता है और एलॉय स्टील का बना होता है, ये हमारा एस्टिलीन का सिलेंडर है। वाल्व पर इसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड कटे होते हैं, यानी कि इसके ऊपर जो वाल्व लगा रहता है सिलेंडर को खोलने के लिए, उसमें जो है लेफ्ट हैंड थ्रेड बना होता है। सामान्यतया इसमें 15 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर जो है गैस जो है भरी रहती है। अगला है ऑक्सीजन सिलेंडर, यह भी एलॉय स्टील का बना होता है, यह काले रंग का सिलेंडर होता है, ये वाला हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है। इसके वाल्व पर राइट हैंड थ्रेड होते हैं। इसकी गैस भरण क्षमता 7 m³ होती है। इसमें जो दाब रखा जाता है गैस का वो है 120 से 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑक्सीजन गैस रेगुलेटर, यह काले रंग का रेगुलेटर होता है। इसका कार्य होता है सिलेंडर के गैस दाब को आवश्यकता अनुसार कम करके ब्लो पाइप में भेजना। इसी तरह एस्टिलीन गैस के ऊपर रेगुलेटर लगा रहता है, यह जो है मेरून रंग का होता है। इसका भी वही काम होता है कि सिलेंडर की गैस को जो है आवश्यकता अनुसार उसका जो प्रेशर है उसको कम करना है और ब्लो पाइप में
भेजना है। अगला है होज पाइप। होज पाइप का रंग काला ऑक्सीजन गैस के लिए व मेरून जो है एस्टिलीन के लिए होता है। इसका प्रयोग होता है गैसों को दूर तक जॉब तक ले जाने के लिए। ब्लो पाइप, ब्लो पाइप का कार्य होता है दोनों गैसों को मिक्स करके भेजना। फिलर रॉड का हम लोग प्रयोग करते हैं। टॉर्च का प्रयोग करते हैं जो हमारा फ्लेम बनाती है, यानी चिंगारी उसमें देनी पड़ेगी तभी गैस वो जलेगी, तो उसके लिए हम लोग टॉर्च का प्रयोग करते हैं। सिलेंडर के वॉल्व को खोलने के लिए हम लोग चाबी का प्रयोग करते हैं। गैस वेल्डिंग ज्वाला के प्रकार, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं ऑक्सी एस्टिलीन गैस वेल्डिंग में दो गैसों ऑक्सीजन और एस्टिलीन का प्रयोग किया जाता है। अब जो है जब हम इनका प्रयोग करके ज्वाला बना रहे हैं तो तीन कंडीशन हो सकती हैं, या तो ऑक्सीजन और एस्टिलीन जो है बराबर मात्रा में प्रयोग करें, या ऑक्सीजन ज़्यादा हो एस्टिलीन का कम प्रयोग करें, या एस्टिलीन ज़्यादा हो और ऑक्सीजन का कम प्रयोग करें। तो आवश्यकता अनुसार या इसमें जो है तीन फ्लेम बनाई जाती हैं जिन्हें हम उदासीन ज्वाला, कार्बोराइजिंग ज्वाला व ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला के नाम से जानते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इनके बारे में। उदासीन ज्वाला, इसमें जो तापमान जाता है वो 3300 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इसमें ऑक्सीजन व एस्टिलीन जो है बराबर मात्रा में मिलाकर जलाई जाती है। आप यहाँ पे जो है उदासीन यानी कि न्यूट्रल फ्लेम देख सकते हैं। इसका प्रयोग कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम आदि की वेल्डिंग में किया जाता है। सबसे ज़्यादा हम लोग इसी ज्वाला का प्रयोग करते हैं। अगला है कार्बोराइजिंग ज्वाला। इसमें जो तापमान होता है वो जो है 3200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें एस्टिलीन की मात्रा अधिक होती है तथा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। हाई कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, एल्युमिनियम आदि की वेल्डिंग जो है कार्बोराइजिंग ज्वाला से करते हैं। चित्र में आप यहाँ पे कार्बोराइजिंग फ्लेम जो है देख सकते हैं। अगला है ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है व एस्टिलीन की मात्रा कम होती है। इसके द्वारा वेल्डिंग कार्य जो है बहुत कम किया जाता है, क्योंकि अब इसके द्वारा जो बनी हुई वेल्डिंग होती है कमजोर होती है। इसमें तापमान 3400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। स्टील, ब्रॉस, कास्ट आयरन, कांसा आज की वेल्डिंग इसके द्वारा की जाती है। ऑक्सी एस्टिलीन गैस कटिंग प्रक्रिया। ऑक्सी एस्टिलीन गैसों का प्रयोग वेल्डिंग के अलावा कटिंग में भी किया जाता है। अब कटिंग में इस गैस का प्रयोग कैसे करते हैं, इसमें एक विशेष प्रकार के ब्लो पाइप का प्रयोग करते हैं। कटिंग के लिए ऑक्सीजन की एक अलग धार जो है ऑक्सी एस्टिलीन गैस मिक्सचर के अलावा जो है उस पे जॉब पे हम डालते हैं, जिसकी वजह से कटिंग होती है। कहने का मतलब ये है इसकी जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हम जॉब की प्री हीटिंग करते हैं। प्री हीटिंग मतलब जॉब को काटने से पहले जॉब को गर्म करते हैं, जिसको भी हमें काटना है उसको गर्म करते हैं। तो गर्म करने के लिए हम लोग जैसे हम गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एस्टिलीन प्रयोग करते हैं, वैसे ही ऑक्सीजन और एस्टिलीन का मिक्सचर जो है प्रयोग करते हैं। ये लगभग 900 डिग्री सेल्सियस तक प्रयोग करते हैं। उसके बाद जहां पे हमें कटिंग करनी है वहां पे ऑक्सीजन की एक अलग से जो है धारा डालते हैं, जिसकी वजह से धातु की सतह जो है ऑक्सीजन से मिक्स होकर लौह ऑक्साइड बनाती है और उसके बाद धातु की कटिंग हो जाती है। इसके द्वारा केवल धातुओं की कटिंग होती है, अधातुओं की कटिंग इसके द्वारा नहीं होती है। इस चित्र में हमें ऑक्सी एस्टिलीन गैस कटिंग के बारे में दिखाया गया है। इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो नोजल दिख रहा है इसमें किनारे किनारे बहुत सारे छिद्र हैं और बीच में एक बड़ा सा छिद्र है। तो जो किनारे किनारे छिद्र हैं यहाँ से हम ऑक्सीजन और एस्टिलीन गैसों का मिक्सचर प्रवाहित करते हैं, जिसका काम होता है प्री हीटिंग करना, यानी कि काटने से पहले जॉब को गर्म करना। जो बीच में बड़ा सा होल दिख रहा है वहाँ से हम लोग ऑक्सीजन जो है सप्लाई करते हैं जॉब के ऊपर। तो ऑक्सीजन अलग से सप्लाई करते हैं, इसी के द्वारा जो है कटिंग की जाती है। जैसा कि यहाँ चित्र में देख सकते हैं ये जो बाहर वाली दोनों रेखाएं दिख रही हैं ये हमारा मिक्सिंग के लिए है, जबकि अंदर वाली जो लाइन दिख रही है इसका प्रयोग हम लोग कटिंग के लिए करते हैं। वेल्डिंग का अगला प्रकार है CO2 वेल्डिंग, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वेल्डिंग। इसमें CO2 गैस का प्रयोग शील्डिंग गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। बाकी प्रक्रिया हमारी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की तरह होती है। इसमें एक डीसी पावर सोर्स और एक वायर फीडर होता है, जबकि शील्डिंग गैस के रूप में हम लोग CO2 का प्रयोग करते हैं। CO2 वेल्डिंग आप यहाँ चित्र में एक देख सकते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे जो नोजल होता है वो कुछ इस तरह होता है, यानी कि इसके अंदर पूरा CO2 आता है इसके अंदर, और यहाँ पे एक पतला तार आता है। ये तार हमारा जो है वेल्डिंग करता है और इसके दोनों तरफ यहाँ पे CO2 गैस रहता है। जब CO2 गैस जो है इसके दोनों तरफ रहता है तो वो उसकी शील्डिंग कर देता है, यानी कि जहाँ वेल्डिंग हो रही होती है उसके दोनों तरफ CO2 गैस की सप्लाई लगातार आती रहती है, जिसकी वजह से वह बाहरी इन्वायरमेंट से जो है जो प्रभाव पड़ता है हमारा वेल्डिंग पे उससे बच जाता है।
अब वायर जो है किस स्पीड से निकलेगा इसके लिए भी मशीन में सेटिंग होती है, हम लोग कर देते हैं। तो ये हमारा CO2 वेल्डिंग होती है। CO2 वेल्डिंग एक तरह से जैसे मिग वेल्डिंग होता है, मैग वेल्डिंग होता है, उसी तरह का वेल्डिंग होता है, बस उसमें CO2 का प्रयोग करते हैं, जबकि मिग वेल्डिंग में CO2 के अलावा आर्गन गैसों का प्रयोग किया जाता है। ITI स्टडी सेंटर की वीडियोज़ देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ लाइक व शेयर कीजिए। धन्यवाद।